वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन से इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो रही बात, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं सिंथेटिक डिवीजन किस तरीके से यूज होता है, एक्चुअली में सॉल्व किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारी एक्स माइनस थ्री है, मीन्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, थ्री निकलेगी ना वैल्यू, तो थ्री से हमारा डिवाइड होगा। मीन्स ये जो क्वेश्चन है इज डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री से डिवाइडेड होगा, थ्री को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, एंड देन उसके बाद क्या है कि ये जो हमारे गिवेन क्वेश्चन है, तो गिवेन क्वेश्चन कंप्लीट फॉर्म में होना चाहिए। कंप्लीट फॉर्म किसे बोलते हैं, जैसे हमारा एक्स टू द पावर फोर हो गया, मीन जो वेरिएबल के जो पावर होंगे वो डिक्रीजिंग में जाएगा, हमारा कंप्लीट फॉर्म होता है। जैसे एक्स टू द पावर फोर हो गया, फिर थ्री हो गया, टू हो गया, फिर वन हो गया, और यहाँ पे एक्स टू द पावर जीरो। एक्स टू द पावर जीरो हमेशा वैल्यू वन होता है, तो वन मल्टीप्लाई विथ फाइव क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। मीन्स हमारा कंप्लीट फॉर्म में गिवन क्वेश्चन है, कंप्लीट फॉर्म में नहीं रहता है तो उसे बनाने पड़ता है। ठीक है, और अगर ये कंप्लीट फॉर्म में है तो एज इट इज वैसा ही रहेगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कोफिशियंट लिखेंगे, इसकी कोफिशियंट क्या होगी। तो एक्स टू द पावर फोर की कोफिशियंट क्या है, हमारा वन है। यहाँ पे इसकी कोफिशियंट क्या है, एक्स क्यूब की, तो माइनस सिक्स है। माइनस और प्लस हमेशा लिखना है, छोड़ना नहीं है उसे। तो ये हमारा माइनस सिक्स हो जाएगी क्या, इसकी कोफिशियंट। देन एक्स स्क्वायर की कोफिशियंट क्या है, तो हमारे टेन है, और यहाँ पे जो कोफिशियंट है वो क्या है, एट है, और यहाँ पे कोफिशियंट क्या है हमारा, फाइव है। ठीक है, देन इसको किस तरीके से करते हैं डिवाइड, देखें ये जो फर्स्ट वाला टर्म है वो हम लोग एज इट इज लिखते हैं यहाँ पे, ये एज इट इज लिखा जाता है, उतारा जाता है। ठीक है, देन वन मल्टीप्लाई विथ थ्री, किस तो वन मल्टीप्लाई विथ थ्री क्या हो जाएगा हमारा, थ्री होगा, और थ्री जो लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे सेकेंड वाले टर्म्स में थ्री लिखेंगे। देन माइनस सिक्स और हमारा थ्री क्या हो जाएगा, माइनस थ्री को सिक्स और थ्री इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस थ्री हो जाएगा, रिजल्ट हमारा माइनस थ्री आएगा। माइनस थ्री मल्टीप्लाई विथ थ्री कितने हो जाएंगे, माइनस नाइन, और ये टर्म्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस नाइन, माइनस नाइन और प्लस टेन कितने हो जाएंगे हमारे, वन हो जाएगा। फिर वन मल्टीप्लाई विथ थ्री कितना हो जाएगा हमारा, वन मल्टीप्लाई विथ थ्री, थ्री, और ये टर्म्स यहाँ लिखाएगा। ठीक है, तो वन मल्टीप्लाई विथ थ्री तो हमारा थ्री, तो एट और थ्री कितने हो जाएंगे, अलेवन। फिर अलेवन मल्टीप्लाई विथ थ्री कितना हो जाएगा, अलेवन मल्टीप्लाई विथ थ्री, थर्टी थ्री, जो कि यहाँ पे लिखाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा थर्टी थ्री, थर्टी थ्री प्लस फाइव क्या हो जाएगा हमारा, थर्टी एट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आएंगे क्या, सिंथेटिक डिवीजन यूज करने के बाद हमारा क्वेश्चन आता है, रिमाइंडर आता है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे क्या बोलते हैं, याद है कुछ, डिवाइजर होता है। ठीक है, ये डिवाइजर होता है जो थ्री से डिवाइजर किसको कर रहा है, डिविडेंड को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये हमारे डिविडेंड कहलाते हैं, मीन्स ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये क्वेश्चन होता है, और ये रिमाइंडर होता है, ये पता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन जो होगा, देयरफॉर क्वेश्चन किस तरीके से लिखेंगे, क्वेश्चन और रिमाइंडर ही हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो रिमाइंडर तो हमारा जो लास्ट वाले टर्म्स हो जाएंगे वही रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर तो 38 हो जाएगा, बट क्वेश्चन जो होगा यहाँ से यहाँ तक होगा पूरा कम्प्लीटली। ठीक है, अब कम्प्लीटली ये फॉर्मेशन नहीं डाल सकते, इसमें हमें वेरिएबल डालना होगा क्वेश्चन में। तो वेरिएबल किस तरीके से डालेंगे, जैसे कि हमारा है यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में एक्स टू द पावर फोर से स्टार्ट है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में होगा उससे एक पावर कम होगा, मीन्स एक्स क्यूब से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब से स्टार्ट होगा, मीन्स हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे एक्स प्लस इलेवन, तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी सिंथेटिक डिवीजन है वो क्या होती है, किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।